हम बहुत सारे हमारे SOPs अपने कवर करते हुए यहाँ पर आए हैं। आपको शुरू में शायद कुछ परेशानी तो हो रही होगी कि यार ये क्या है, लेकिन ये इसीलिए है कि हम जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करें तो डिसिप्लिन के साथ, नज़्म सब के साथ काम करें, ताकि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हमारी वीडियोस का जो मकसद है वो भी पूरा हो। सो अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी, आई होप इंशाल्लाह, क्योंकि आप ये आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा हो जाएगा, आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा हो जाएगा। तो ये ट्रेनिंग वीडियोस मुझे उम्मीद है आपके लिए कारगर साबित होंगी। आगे बढ़ते हैं। थंबनेल ऑफ अ वीडियो या थंबनेल ऑफ अ कोर्स, थंबनेल की हमने बात की पिछले लेक्चर्स के अंदर, यहाँ पे हम बात करेंगे थंबनेल में होगा क्या। जैसे मैंने एक पिछले टॉपिक में बात की थी कि एक वीडियो है हमारे पास आई हुई 5 मिनट से ऊपर, और उस वीडियो का जो टाइटल है वो ये है कि फाइवर के जरिए $1,000 महीना कैसे कमाएं। तो ये जो टाइटल है ये आपने अब और इस वीडियो को बनाने वाला कौन है, इस वीडियो को बनाने वाले अली पंजवानी हैं। वो जो है इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि $1,000 फाइवर से महीना कैसे कमाया जा सकता है। तो अब एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे आपके पास, आप एक थंबनेल बना रहे हैं, ठीक है, एक थंबनेल बना रहे हैं आप, और अब वो थंबनेल कैसे बनेगा। आप अली पंजवानी चूंकि उस वीडियो में मौजूद हैं, अली पंजवानी भी ये बात कर रहे हैं, सबसे पहले आपने अली पंजवानी का एक फ्रेम निकालना है उसी वीडियो में। अगर अली पंजवानी खड़े होके वीडियो रिकॉर्ड करवाइए तो और आसान है। आपने अली एक ऐसा पूरी वीडियो में फ्रेम आप निकालें ऐसा कि जिसमें अली पंजवानी जो है कुछ एक्साइटेड हैं, एक्सप्रेशंस उनके चेहरे से नज़र आ रहे हैं। आपने मुख्तलिफ थंबनेल देखे होंगे लोगों के जिन्होंने कुछ यू नो आईब्रो उनके ऊपर होती हैं, इशारे करते हैं इस तरह से, बहुत एक्साइटेड उनके चेहरे से जो ना वो नज़र आ रहा होता है। सो यकीनन अली पंजवानी की इस वीडियो के अंदर एक ऐसा फ्रेम भी आएगा जहाँ पे उनकी भी एक्साइटमेंट इस तरह उनकी आईब्रो ऊपर हो गई होंगी या उन्होंने हैरत का इजहार किया होगा। वो फ्रेम आपने जो ना वहाँ से निकालना है। आपने वो फ्रेम निकाला और उस फ्रेम को आपने क्रॉप कर दिया और अली पंजवानी को आपने ट्रांसपेरेंट कर दिया और उनको निकाल दिया। नाउ अली पंजवानी आ गए, आपने उनको प्लेस कर दिया अपने जो आपने कैनवास खोला है आफ्टर इफेक्ट्स का, सॉरी फोटोशॉप में। आप चूंकि थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने थंबनेल फोटोशॉप में उसका आपने कैनवास खोला और अली पंजवानी को आपने प्लेस कर दिया। नाउ फाइबर की बात हो रही है कि फाइबर के ज़रिए आप $1,000 कैसे कमाएं। सो आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आप फाइबर का लोगो उठाएंगे, फाइबर का लोगो उठा के आप प्लेस कर देंगे। मकसद कहने का ये कि जितनी बातें वहाँ पर हो रही हैं उसकी समरी बना रहे हैं ना आप, तो वो तमाम एलिमेंट्स आपको अपने थंबनेल में डिजाइन रखने हैं। फाइबर का लोगो आ गया, अली पंजवानी आ गए, और फिर क्या बात हो रही है, $1,000। सो अगर आप कोशिश करें तो डॉलर जो करेंसी है या डॉलर जो नोट है वो आपने दिखा दिए, या तो ऊपर से गिरते हुए दिखा दिए या फिर आपने दिखा दिए कि कहीं पर डॉलर रखे हुए हैं तो वो आपने दिखा दिए, और फाइबर से मिलता जुलता आपने बैकग्राउंड कलर जो है वो पीछे लगा दिया, लेट्स से जो है वो ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर आपने लगा दिया। और इसके बाद आपने उर्दू में, अगर वो वीडियो उर्दू में है तो, अगर अली पंजवानी ने जो मीडियम इस्तेमाल किया है वो उर्दू इस्तेमाल किया है तो आप पूरा टाइटल उर्दू में लिख देंगे और उसको अपनी थंबनेल की स्क्रीन का 60% देंगे। 60% में आपका वो थंबनेल जो टेक्स्ट है, टाइटल का टेक्स्ट है, वो आना चाहिए कि फाइवर से $1,000 महीना कैसे कमा सकते हैं। ये आपने उर्दू में भी लिखना है और इसी चीज़ को आपने रोमन उर्दू में भी लिखना है, रोमन इंग्लिश जिसे कहते हैं रोमन इंग्लिश, के ताकि उर्दू तो होगी खालिस पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन जो रोमन है वो हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो भारत है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, मे बी ईरान, और जो हमारी कंट्रीज हैं जो उर्दू को समझती हैं या हिंदी को समझती हैं, वो ये उनके लिए, ताकि वो भी इस वीडियो को फॉलो कर सकें। यूट्यूब की बात करूँ, फेसबुक की बात करूँ, सो आपने अगर कोई वीडियो उर्दू में है तो आपने उर्दू टेक्स्ट के अंदर और रोमन इंग्लिश के अंदर ये टेक्स्ट लगा, ये टाइटल वीडियो का लिख देना है। और जिस वीडियो की बात हो रही है या जिस टॉपिक की बात हो रही है उस टॉपिक से रिलेटेड आपने एलिमेंट्स लगा देने हैं, और जो साहब वो वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं उनका आपने एक फ्रेम उस पूरी वीडियो में से निकाल कर काट के प्लेस कर देना है। ये हमारा थंबनेल है।
थंबनेल, ये तो मैंने आपको एक एक इसके रूल्स बताए हैं। थंबनेल जो है खालिस्तन एक क्रिएटिव आर्ट है, अगर आप कितने क्रिएटिव हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से थंबनेल को बनाते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। मे बी पॉसिबल जो मैंने बात की आप अली पंजवानी को पूरा ना दिखाएं, उनकी सिर्फ स्किन सर्किल के अंदर उनकी उनका फेस दिखा दें, ये सब आपके ऊपर है, लेकिन ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि है दिखाने ज़रूरी हैं। और अगर थंबनेल जो है अली पंजवानी ने मीडियम ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश इस्तेमाल किया है, तो आप पूरा टाइटल इंग्लिश में रखेंगे, ठीक है, पूरा टाइटल उसका इंग्लिश में आएगा, उसमें उर्दू नहीं आएगी। तो आई होप कि ये एसओपी आपको क्लियर हो गई होगी वीडियो की थंबनेल के हवाले से।